हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शरमत। आज के सेशन में हम db2sql का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है और उन दोनों का कंपैरिजन करता है और उसके बाद में कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, -1, 0 और 1। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी दो आर्गुमेंट के बीच में ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन निकालना है तो उस केस में आप यूज़ करोगे टोटल ऑर्डर फंक्शन का। अब इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक सैम्पल प्रोग्राम दिखाऊंगा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है SQL RPGLE के अंदर, और फिर मैं आपको नॉर्मल क्वेरी पे उसका यूज़ दिखाऊंगा। तो सैम्पल प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया SQL state_valid, और इस कॉन्स्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नेम से zone.8 का। ठीक है, ये वेरिएबल हम यूज़ करेंगे जो भी हमारा आउटपुट वहाँ से रिटर्न होके आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए। बाद में हमने कमिटमेंट को कमिट इक्वल्स टू स्टार्ट नन पे सेट किया है exec_sql लगा के, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे हम हमारी एक्चुअल क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं फंक्शन के साथ, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा है exec_sql जिसका मीनिंग है execute SQL, सेलेक्ट टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर में हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा decfloat 1.5। तो decfloat खुद एक फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, 1.5 को एज ए डेसिमल फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने पास किया decfloat 2.5 into result, तो ये क्या करेगा, दोनों का ऑर्डर ऑफ कंपेरिजन निकालेगा और उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, -1, 1 और 0। तो हम देखेंगे कि क्या मीनिंग है इनका और कहां से ये यूज़ हो रहा है, फ्रॉम sys_ibm.systeme1। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ SQL state equals to SQL state_valid डिस्प्ले रिजल्ट, else display SQL state with a message query ended with an error and if INLR on। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब बात करते हैं पॉसिबल आउटकम की। तो जैसे मैंने बताया आपको तीन पॉसिबल आउटकम है, -1, 0 और 1। -1 का मीनिंग क्या होगा कि जो भी वैल्यू आपने एक्सप्रेशन 1 में दी है, आर्ग्यूमेंट 1 में दी है, वो है छोटी एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू से, तो उसके इसमें रिटर्न करेगा -1। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो 1.5 है जो छोटा है 2.5 से, तो यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, -1। अब अगर आपने वैल्यू यहाँ पे पास कर दी, यहाँ पे सपोज 5.5 और यहाँ पे 1.5, तो उस केस में एक्सप्रेशन 1 बड़ा है तो उसका आउटपुट आएगा 1। ओके, अब सपोज आपने क्या किया, दोनों वैल्यू इक्वल सेव कर दी, यहाँ पे कर दिया 1.5, यहाँ भी कर दिया 1.5, उस केस में ये रिटर्न करेगा 0। क्लियर, इसको मैं क्वेरी वाले टाइम पे भी वापस से बताऊंगा, तो अभी के लिए मैं एक बार इसको कंपाइल कर रहा हूँ सेव करके। ओके, इसको रीनेम कर देते हैं वापस से, वो सेव हुआ आर के नेम से, इसलिए फंक्शन टू कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी फंक्शन टू को कंपाइल करा और कॉल किया तो आउटपुट हमारा क्या आया, -1, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू थी वो थी सेकेंड आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो सिंटेक्स आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसी सेम क्वेरी को नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी पे या STR SQL पे कैसे रन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट टोटल ऑर्डर, पहला आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया decfloat 1.5, दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया decfloat 2.5 एज ऑर्डर। ठीक है, इसको मैं जस्ट एक बार एलियास दे देता हूँ एज ऑर्डर, तो ये क्या करेगा, एज ऑर्डर प्रिंट करेगा ऑर्डर ऑफ CMP, कंपैरिजन को हम लिखते हैं शॉर्ट में CMP, ऑर्डर ऑफ CMP। ठीक है, फ्रॉम sys_ibm.systeme1। तो यहाँ मैं अगर एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब हम इसमें वेरिएशन करके देखते हैं, यहाँ पे अगर मैंने इसको सपोज कर दिया 9.5, तो अभी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बढ़ा है, अब एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1। ओके, अब एक काम करते हैं यहाँ पे भी कर देते हैं इसको 9.5 और फिर एंटर हिट करते हैं, तो अभी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो इस तरह से तीन ही पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करेगा यह फंक्शन। ये फंक्शन कब काम आता है, जब भी आपके पास कोई ऐसी दो आर्ग्यूमेंट आपने किसी या तो प्रोग्राम से या किसी थर्ड पार्टी टूल से आप रिसीव कर रहे हो और आपको उनका कंपैरिजन करना है कि क्या वो इक्वल है या वैल्यू छोटी है या वैल्यू बड़ी है, तो उस केस में आप इजीली यूज़ कर सकते हो ये फंक्शन जिसका नेम है
टोटल ऑर्डर। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।